हेलो फ्रेंड्स, गृहलक्ष्मी चैनल में स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज मैं मांगुर फिश की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस मांगुर फिश के साथ कुछ सिंगी फिश भी है। मैं मांगुर फिश की करी वाली रेसिपी बनाने जा रही हूँ। इससे पहले भी आपने मेरे फिश की करी वाली रेसिपी को बहुत ही पसंद किया है, बहुत सराहा है, इसके लिए आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर बनाते हैं मांगुर फिश करी। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज का टमाटर, 1 बड़े साइज का प्याज और 1 गांठ लहसुन का प्रयोग किया है। लहसुन छील करके और प्याज छील करके कटिंग कर लिए हैं। टोमेटो कटिंग कर लिए 1 टेबल स्पून, साबुत काली मिर्च 1 टेबल स्पून, साबुत जीरा 2 टेबल स्पून, धनिया डाल करके अच्छी तरह से इसका बारीक पेस्ट बना लिया है। दूसरी तरफ इधर सरसों का पेस्ट बनाना है, 2 टेबल स्पून पीली वाली सरसों, 1 टेबल स्पून ब्लैक वाली सरसों और 7 हरी मिर्च डाल करके बारीक पेस्ट बना के रख लेना है। मछली इधर धो करके मैंने बिल्कुल साफ कर लिया है। अब इसमें टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट डालना है। यहाँ पर लगभग 1 केजी मेरा फिश है तो मैं यहाँ पर लगभग 3 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टेबल स्पून सॉल्ट का प्रयोग कर रही हूँ। आप अपने क्वांटिटी के अनुसार नमक हल्दी का प्रयोग करें। ध्यान यह रखना है कि नमक हल्दी मिक्स करके मैरिनेट करके हमें इसे 20 मिनट्स के लिए अवश्य छोड़ना है। उसी से मछली में अच्छा सा फ्लेवर आता है, नमक अच्छी तरह से फिश में एब्जॉर्ब हो जाता है नमक हल्दी, तो एक अच्छा सा प्यारा सा इसका टेस्ट उभर करके आता है। अच्छी तरह से मिक्स करके 20 मिनट्स के लिए हमें इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। आफ्टर 20 मिनट्स इधर हमने मस्टर्ड ऑयल एक पैन में गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस को बिल्कुल फुल रखना है, फुल गैस पर ही हमें फिश को फ्राई करना है। फुल गैस में हम सावधानी पूर्वक गर्म तेल में एक एक करके मछली डालते जाएंगे ताकि जले ना, पके ना, आराम से एक एक करके डालते जाएंगे और फिश को हम लोग फ्राई करेंगे। जब हम लोग इसमें सारे फिश को दे देंगे तब हम गैस को थोड़ा सा कम कर देंगे, मीडियम रखेंगे, हम सिम नहीं करेंगे और बिल्कुल जो फुल था हमारा गैस वो भी नहीं करेंगे। थोड़ा सा गैस कम करके और सावधानी पूर्वक मछली को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। यह देखिए, जब एक साइड से ऐसा कलर हो जाता है गोल्डन, तब इस स्टेज में हमें पलट देना है। चूँकि मैंने साबुत रखा है फिश को, इसीलिए यह जो राउंड हो गया है तो पलटने में मुश्किल होता है। कोई बात नहीं, अच्छी तरह से पलट जाएगा। कलछी से दबा देंगे तो इस तरह से प्लेन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ को कलछी से दबा करके प्लेन कर दिया है और कुछ को साबुत ही फोल्ड हुआ ही रख दिया है। इस तरह से बहुत ही सुंदर लगता है और इसी स्टेज में हम लोगों को फिश को निकाल लेना है। बाकी बचे तेल में भी बाकी मछली डाल करके अच्छी तरह से हम लोगों को गोल्डन फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, इसी स्टेज में हम लोगों को निकालना है ताकि मछली जले नहीं, इसका टेस्ट खराब ना हो। और इससे कम भी फ्राई नहीं करना है तो कच्चा रह जाएगा। मछली बनाने के लिए फ्राई करना बहुत ज़रूरी है और फ्राई करने का जो टाइम है यह बहुत मस्ट है मछली के टेस्ट को बढ़ाने के लिए। अब बचे हुए गर्म तेल में यहाँ पर 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, 3 सूखी लाल मिर्च और 2 तेज़पात डाल करके हम लोग इसे क्रैकल होने देंगे। तब तक इधर लहसुन का पत्ता मैं धो करके रेडी कर लेती हूँ। यह मैंने अपने टेरिस पर गमले में लगाया है, इसलिए मुझे हमेशा लहसुन का पत्ता मिल जाता है। चूँकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है लहसुन का पत्ता डाल करके बनाया हुआ फिश, इसलिए मैं अक्सर डालती हूँ। आप इसकी जगह धनिया का पत्ता भी प्रयोग कर सकते हैं। जब बन जाएगा तब ग्रेवी में ऊपर से धनिया पत्ता डाल करके प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल पत्ता हरा ही रहेगा। इसी स्टेज में हम लोग यहाँ पर मसाला डाल देंगे। प्याज और टमाटर वाला जो बना के रखे थे वह पेस्ट डाल देंगे। स्वादानुसार नमक और हल्दी डाल देंगे। मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर का प्रयोग कर रही हूँ। नमक हल्दी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और लगभग 4 से 5 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें सरसों और मिर्ची का जो पेस्ट बना करके रखे हैं वह प्रयोग करेंगे। टोटल 3 चम्मच सरसों दाना का पेस्ट है। यहाँ पर मैं लगभग 2 चम्मच सरसों दाना का पेस्ट इसमें डालूंगी और 1 चम्मच का पेस्ट बचा करके रख लूँगी, दूसरे डिश में मुझे डालना है। हम लोग सरसों का पेस्ट डालते ही
तुरंत इसके ऊपर से पानी डाल देंगे। जितना पानी प्रयोग हो आपके परिवार में आप उसके हिसाब से डालें। मैं यहाँ पर लगभग 2 गिलास के आसपास पानी डाल रही हूँ। 1 किलो मछली है उसमें लगभग 2 गिलास पानी डाल रही हूँ और इसे उबलने दी हूँ। जैसे एक उबाल आ गया बस इसी स्टेज में हम लोगों को फ्राई पीस इसमें डाल देना है। अच्छी तरह से सारे फिश को इस जूस में डाल करके और कलछी की सहायता से हमें दबा दबा करके सारे फिश को डिप कर देना है जूस के अंदर में। ऐसा नहीं कि बस ऊपर में ऐसे दिए हैं ऊपर में ही फिश रहे, तब एक तरफ से आपका पक जाएगा फिश, दूसरी तरफ से हार्ड रहेगा, एक तरफ से सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब सारे फिश को हम इसमें डाल देंगे तब कलछी की सहायता से हमें इसे इस तरह से दबा दबा करके सारे फिश को डिप कर देना है ताकि अच्छा से कलर, अच्छा सा टेस्ट निखर करके आएगा। देखिए कितना सुंदर हो गया है। नमक यहाँ पर मैं लगभग 1.5 चम्मच प्रयोग कर रही हूँ। आप अपना टेस्ट कर लें, उसके अकॉर्डिंग डालें। यहाँ पर मैं देगी मिर्च का प्रयोग नहीं की हूँ, फिर भी कलर कितना अच्छा निखर करके आया है। चूँकि कच्चा मिर्चा में पीसने के समय रेड वाला भी मैं मिक्स कर दी थी और टोमेटो भी है, इसलिए इतना अच्छा कलर निखर करके आया है। देखिए हम लोग का फिश बिल्कुल बन के रेडी है। अब इसे सर्व करेंगे। इसे आप प्लेन राइस के साथ, प्लेन रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप इसे बना करके अवश्य ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि कैसा बना आपका फिश की रेसिपी। थोड़ी सी भी अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ हट के लेके।